अभी हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। हिंदी सत्र में सभी का स्वागत है, सभी को नमस्ते। नमस्ते सभी को। हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में इस मुद्दे पर चर्चा भी किया है और कुछ अभ्यास भी किया है कि सुख हमारे लिए स्वभाव है या प्रभाव है। इस पर कुछ अभ्यास और कुछ चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं, जिसमें मैंने सुख के संदर्भ में कुछ प्रश्न पहले दिन ही उठाए थे कि आप सबके ध्यान में आ जाए। तो जैसे एक पहला प्रश्न था कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सुखी होने के लिए ही कर रहे हैं या कोई और लक्ष्य है। दूसरा प्रश्न ये था कि हम कभी कभी सुखी होना चाहते हैं या निरंतर सुखी होना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न ये था कि सुख को समझकर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं या सुख को बिना समझे ही प्रयास कर रहे हैं। चौथा प्रश्न ये था कुछ करके सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं या सुखी होकर कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं सारी बातों को हम लोगों ने एक साथ कंक्लूड करके इस रूप में भी पूछा था कि सुख आपके लिए स्वभाव है या प्रभाव, और निरंतर सुख स्वभाव से होगा या प्रभाव से होगा। इन पांचों छहों प्रश्नों को हम लोग डे वन से ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, चर्चा और संवाद और सबके माध्यम से भी और अपने में देखने के माध्यम से भी। हम लोगों ने इसी बात को थोड़ा और डिटेल करते हुए भी इस पर चर्चा किया था कि ये जो सुख है, जब हम उसको प्रभाव से सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं तो वो किस तरह से होता है, और जब स्वभाव से सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं तो फिर वो किस तरह से होता है। इस पर हम लोगों ने पिछले कुछ सेशंस में चर्चा किया था। सुख अगर हम प्रभाव से सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं तो उसके जो प्रमुख तरीके हैं, उसमें एक प्रमुख तरीका तो ये है कि जो भी संवेदनाएं हमको प्रिय लगती हैं, अनुकूल लगती हैं, उनके आस्वादन से सुखी होने का प्रयास करते हैं। तो कुछ खा करके, कुछ अनुकूल टेम्परेचर से, कुछ पहन कर, कुछ देख कर, तो कहें तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन इंद्रियों से कुछ हमको संवेदनाएं मिल रही हैं। अगर वो हमारे अनुकूल संवेदना जिसको मान रखा है उससे मैच करता है तो हमको सुख जैसा लगता है। ऐसे ही दूसरों से भाव पाकर, दूसरों से भाव मिल रहा है उसके आस्वादन से हम सुखी होने का प्रयास करते। इन दोनों ही विधियों में हमारा ध्यान बाहर की तरफ रहता है। बाहर की संवेदनाएं, बाहर से आने वाली संवेदनाएं अनुकूल हो जाए, उसके लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो हमारे पास बनी रहे, तो सारा ध्यान संवेदना पे और सुविधाएं बनी रहे उस पर चलता रहता है। साथ ही साथ दूसरों से अनुकूल भाव मिलता रहे उसके लिए जो भी हमको सुविधाओं का एक्सपोजर करना है, लोगों को सुविधाएं दिखानी है, पद दिखाना है, पावर दिखाना है, जिससे कि लोगों से एक अनुकूल भाव मिलता रहे, या जिन लोगों से अनुकूल भाव मिलता है उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताना है, इस तरह के बहुत सारी क्रियाओं को हम लोग करते रहते हैं इन दोनों विधियों से सुख को सुनिश्चित करने के लिए। तो अगर निष्कर्ष रूप में देखेंगे तो बाहर चीजें ठीक हो जाए ताकि हमको अनुकूल संवेदना और अनुकूल भाव मिलता रहे, ज्यादातर ध्यान हमारा उस पर फोकस रहता है, स्वयं पर ध्यान या तो कम रहता है या फिर नहीं रहता है। एक ये जो दूसरी विधि थी जिसको हम लोग कह रहे हैं स्वभाव, इस पर ध्यान हमारे पर रहता है और हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि हमको जो सहज स्वीकार भाव है वो तो हमको समझ में आ जाए और वैसा हमारा भाव विचार सुनिश्चित हो जाए। ये एक और सोर्स है जिससे हम सुखी हो सकते हैं। प्रभाव वाले सोर्स में निर्भरता बाहर के तरफ है, स्वभाव वाले सोर्स पे निर्भरता बाहर नहीं है, पूरी तरह से हम पर निर्भर है। इसलिए यहाँ से सुख की निश्चितता भी है, निरंतरता भी संभव है। प्रभाव वाले में निश्चितता भी नहीं है, निरंतरता भी नहीं है। तो इतनी बात हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में किया था और इससे जुड़े हुए दो अभ्यास भी किए थे। एक अभ्यास तो ये किया था कि हम अपने आप में देखें 1 घंटा बैठ करके कि हम 1 घंटा अपने साथ बैठ सकते हैं कि
बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी लैपटॉप के, अखबार के, या बिना किसी किताब, पूरी तरह अपने साथ बैठ सकते हैं कि और जब भी हम 1 घंटा अपने साथ बैठ रहे हैं जिसमें हम किसी भी एक्सटर्नल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, उस समय हम अपने भीतर का हम क्या महसूस कर रहे हैं, आराम या परेशानी, जो भी महसूस कर रहे हैं उसको अपने नोटबुक में लिखना था, और यहाँ पर जो भी साथी उसको साझा करना चाहते हैं उसको साझा कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरा अभ्यास और किया, कल दिया था आप लोगों को। पहले अभ्यास में तो 1 घंटा हम बैठ कर तब उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। दूसरे अभ्यास में आपसे अपेक्षा थी कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी व्यवहार कर रहे हैं, उसको करते वक्त ही देखें कि आप आराम में हैं कि आप परेशान हैं, आपके भीतर क्या चल रहा है। तो ये जो थी, ये दूसरी बात थी। पहले दिन तो हम सिर्फ एक निश्चित समय कालखंड में बैठकर अपने पे ध्यान दे रहे थे। इस अभ्यास में ये अपेक्षा थी कि हम खाना खा रहे हैं उस वक्त भी अपने पर ध्यान दे के देखें कि हम आराम में हैं या परेशान हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस वक्त भी अपने पर ध्यान दे के देखें कि पढ़ाते समय हम आराम में हैं चैन है, वाहन चला रहे हैं उस समय भी ध्यान दे कि हम आराम में हैं चैन है, मार्केट जा रहे हैं उस समय भी देखें कि जब मार्केट में बार्गेनिंग कर रहे हैं लोगों के साथ हम अपने में आराम में बने हुए हैं या बेचैन हैं। तो ये दूसरा अभ्यास हम लोगों ने कल साझा किया था आप लोगों के साथ। कितनी बात एक तरह से अब तक हुई थी, तो उस पर आप लोगों का जो भी ऑब्जर्वेशन रहा या जो भी निष्कर्ष बने उसको हम लोग थोड़ा सुन लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। हाँ जी, नमस्ते भैया। नमस्ते ऑल। मेरे एक प्रश्न है कि हम जब सुखी होना चाहते हैं तो जब कुछ काम ऐसे घटित होता है जैसे कि हमें अच्छा लगता है। एक एक उदाहरण दूँ। मेरे मेरी बहू को मैं बोला कि एक एक ग्लास गर्म पानी दो, जब वो देती है समय पर तो मुझे अच्छा लगता है, नहीं देती है समय पर और बिल्कुल नहीं देती है, भूल जाती है, तो उस टाइम मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं सुखी नहीं होता। तो ये मेरा जो है सुखी होना दुखी होना, ये सब उस बाहर बाहरी चीज पर निर्भर करता है। लेकिन मैं थोड़ा अंदर देखूं तो मुझे बहुत ज्यादा सफाई कुछ दिखता नहीं है, तो एक थोड़ा आप कुछ सहायता दे सकते। जी, तो अगर इसको देखें, आपने जो घटना शेयर किया तो चीज की संभावना है। एक तो ये कि जो भी गर्म पानी या जो भी आप वस्तु अपनी बहू से मांग रहे हैं उससे उसको उससे एक आस्वादन की अपेक्षा है। वो आस्वादन अगर पूरा होता है समय पर, जिस समय आपको उसकी अपेक्षा है, तो आपको सुख जैसा लगता है, और अगर वो बाधित होता है तो आपको बेचैनी जैसी लगती है, दुख जैसा लगता है। एक भाग की संभावना तो ये। दूसरे भाग की संभावना ये है कि क्योंकि उसने समय पर नहीं दिया, तो उससे हमारा निष्कर्ष ये बनता है कि वो हम पर ध्यान नहीं दे रही है, तो उसका निष्कर्ष ये बनता है कि हमारा सम्मान नहीं कर। तो ये जो उससे अनुकूल भाव पाने की अपेक्षा थी, कई बार वो भी एक अपेक्षा टूटती है कि हमारे लिए उचित भाव में रखते, हम प्रियोरिटी पे नहीं। तो ये वो दोनों ही विधियों से जो हम समभाव सुखी होने का प्रयास कर रहे थे, वो दोनों बाधित होता हुआ हमको दिखता है, उससे हम बेचैन होते हैं। और ये दिख भी गया है कि ये तो प्रभाव था, ये हर समय पूरा ही होगा, ये तो जरूरी नहीं है। तो ये दिख जाने के बाद भी कोई बेचैनी कम होती हुई नहीं दिखती है, जैसा आप कह रहे। तो वो ठीक कैसे होगा? प्रभाव की जगह हम भाव के साथ अपने सुख को भी सुनिश्चित करें, और जो घटना घट रही है उसको स्वभाव के साथ देखें। तो जैसे एक सिंपल अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि हमको विश्वास का भाव सहज स्वीकार है कि अविश्वास का भाव, तो उत्तर आता है कि विश्वास का भाव सहज स्वीकार है।
अब उस घटना में एक और प्रश्न अपने आप से पूछे कि वो जो समय पर पानी हमको नहीं मिला, गर्म पानी, वो गर्म पानी समय पर देना नहीं चाहती है या दे नहीं पा रही? अगर ये दिख जी गया कि वो देना तो चाहती है लेकिन छोटे बच्चे हैं, घर में और काम है, कुछ और से चल रहा है, उन सब बाध्यताओं, बस वो दे नहीं पाई, उस समय को मैच नहीं कर पाई, तो ये भी दिखता है। ये तो हमारे साथ भी होता है। इतनी बड़ी जिंदगी को अगर मैं रिफ्लेक्ट करके देखता हूँ तो सबकी अपेक्षाओं को सभी उसी समय डॉट, वो तो मैं भी नहीं पूरा कर पाया हूँ, तो ये दिखता है कि ये उसकी योग्यता का प्रॉब्लम है, मेरी योग्यता का प्रॉब्लम है। वो भी चाहती है कि मैं स्वस्थ बना रहूं, उसके लिए जो भी बन पड़ता है वो करती ही है। हाँ, समय जिस समय मैं चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि उस समय उसका बाकी चीजों के साथ अनुकूलता बैठ जाए, तो वो कर दे। तो जैसे ही ये क्लियरिटी हमको होती है तो हमारा जो उसके ऊपर विश्वास का भाव था वो बना रहता है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो बेचैनी आपकी हो रही थी वो कम होने लगती है और एक पॉइंट पर खत्म। जी जी ठीक है, और आगे देखूंगा। जी, तो प्रभाव वाले में तो बेचैनी है ही, हम अगर स्वभाव से उसको करने लगते हैं, स्वभाव में उसको देख पाते हैं, भाव को अपने में सुनिश्चित कर पाते हैं, उसी प्रक्रिया में हमारी बेचैनी दूर हो जाती नमस्ते भानु भैया, और सभी को नमस्ते। है। नमस्ते। मैं ये 1 घंटे वाली एक्सरसाइज कर रहा था कल शाम को, तो बेड में सोते वक्त तो देखता रहा, बैठा रहा देखता, थोड़ी देर ऐसा लग रहा कि विचार बंद हो गए, कुछ नहीं है। फिर वो चीज तो ठीक नहीं लगी, ऐसा विचार बंद है, ये है, कुछ नहीं चल रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम। फिर देखा सामने मेरे वो बाथरूम की खिड़की दिख रही थी, ऊपर से कोई बार मच्छर जाली लगा के सोए थे, तो ऊपर से कोई पक्षी भी जा रहा था। वो सब जो देखना हो रहा था वो देख रहा था, वो जा रहा था, ये चीजें हैं, उनको उनको देखा, ये हैं अपने आप में, वो हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं हूँ, ये स्थिति जो है उस स्थिति के साथ था, ये सब देखना, तो वो लगा वो ठीक है, सही है। और कोई कल्पनाशीलता में कोई विचार ऐसा नहीं आता, ये करूँ वो करूँ, वो नहीं हो रहा था ऐसा कुछ। मगर वो जो मैं था, वो जो स्थिति में मैं देख रहा था, और जो सामने वाली चीजें थी उनको मैं देख रहा था, वो है, वो अपनी स्थिति के साथ है, मैं मेरे में हूँ, मेरे में थू, वही चीज ऐसा लगा कि मेरा स्वभाव है, ऐसा मेरे को लगा ऐसा। फिर इतना फिर मैं थोड़ी देर सोया सोया तो सब बैठे बैठे थकान लगी, वो बैठते बैठते थोड़ा लेटा, तो थोड़ी देर सो भी गया, वापस उठा, ऐसा कुछ 1 घंटे चला, ऐसा मेरा इसमें 1 घंटे का शेयरिंग में बात में है। जी और दूसरा दूसरी चीज, एक कल में मेरे बच्चे ने, मैं वो जी एडवांस की स्कूल में उसका एडमिशन लेना था स्कूल का, तो उसको फीस भरना था, तो उसने फीस नहीं पे किया टाइम पे, तो वो फॉर्म सब खत्म हो गए, तो वो बच्चा घबरा रहा था, मेरे से बात नहीं कर रहा था। पहले मैं वैसे क्या, पहला मेरा स्वभाव वैसा कि तू गया नहीं, ऐसे डांटता, मगर आज तो मैंने कुछ उसको डांटा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, मगर मेरे को अंदर से एक उसका जो हुआ नहीं उसका दर्द रहा, ये क्यों हुआ नहीं ऐसा, तो मेरे को ये दर्द क्यों हो रहा है, उसका फॉर्म नहीं मिला है तो मिल जाएगा, बाद में मिल जाएगा, मगर वो दर्द रहा ना, वो दर्द में फिर आज सुबह 4:30 बजे जागा तो ये दर्द हो क्यों रहा है। वो फिर देखा तो मेरी अपेक्षा बनी हुई थी कि मेरे बच्चे के साथ ये फॉर्म मिल ही जाना चाहिए और हो ही जाना चाहिए, ये काम हुआ नहीं, वो अपेक्षा की वजह से दर्द हो रहा था, ऐसा मैं सुबह में सुनिश्चित कर पाया, ऐसा मेरा शेयरिंग बनता है। जी, अच्छी बात है, आप इतना क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने दोनों ही अभ्यासों को किया। एक तो 1 घंटा अपने साथ बैठकर जो भी अभ्यास किया आपने उसको भी शेयर किया, और बच्चे के साथ जो जीते समय कार्य व्यवहार करते समय जो ट्रांजेक्शन हुए वो अभ्यास 2 भी आपने किया, और दोनों ही अभ्यास की शेयरिंग की।
दोनों में मैं थोड़ा छोटा छोटा इनपुट दे देता हूँ भैया। पहला जो अभ्यास आपने किया उसमें जब बीच में आपको लगा कि कुछ विचार नहीं चल रहे हैं, विचार बंद से हो गए, तो एक विकल्प, एक निष्कर्ष तो ये है जो आप कह रहे हैं, लेकिन एक और पॉसिबल निष्कर्ष है उसमें कि विचार चल तो रहे हैं लेकिन मैं देख नहीं पाया उस समय, क्योंकि मेरा ध्यान बाहर के तरफ था या विचार इतने सूक्ष्म थे कि मैं उस तरफ बहुत देख नहीं पाया। तो ये दोनों ही विकल्प को ओपन रखेंगे तो आगे के लिए अच्छा रहेगा, है ना। एक तो ये, और दूसरा ये कि जिस समय हम देख रहे थे, अपने अपने साथ बैठे थे, उस समय भी अब धीरे धीरे आप ध्यान देंगे तो ये दिखेगा कि हम अपने साथ तो बैठे हैं लेकिन जो बाहर एक्टिव गतिविधियां हो रही हैं हम उन पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो बाहर जो भी गतिविधियां हो रही हैं उस पर ध्यान तो जाएगा ही, है ना, पक्षी आ रहे हैं या जो भी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरे में क्या चल रहा है, मेरे में क्या हो रहा है, मेरे में क्या विचार चल रहे हैं, मेरे में क्या भाव है, वो दोनों को अगर हम साथ साथ देखने का अभ्यास कर सकें तो अच्छा रहेगा। अगर शुरुआत में दोनों को एक साथ अभ्यास करने में कठिनाई हो रही है और हम 1 घंटा अकेले बैठे हैं तो उस समय हम कम से कम, अगर वो लगता है तो हम अपने पर ध्यान लाने के लिए अगर जरूरी समझें तो थोड़े समय आंख बंद भी कर सकते हैं, बट ये आवश्यक नहीं है, खुला भी रख सकते हैं। मुख्य बात तो यह है कि मेरे में जो भाव विचार चल रहा है उसको देखना है, उसको मैं आंख खोल के देख सकूं तो आंख खोल के भी देख सकता हूँ, कठिनाई हो रही है थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करनी है उससे भी कर सकता हूँ, ये चॉइस है। तो पहले वाले आपके इनपुट के संदर्भ में तो ये 2 बातें कहूंगा, और दूसरे वाले जो इनपुट के संदर्भ में आपने कहा तो अच्छी बात है, हमारा अपने पर ध्यान था, अपने भाव विचार पर ध्यान था, तो ये निष्कर्ष तो बन गया कि अब जो भी दुर्घटना घटनी थी वो तो घट चुकी है, अब इस पर चिल्लाने से, इसके साथ मारपीट करने से तो वो वापस हो नहीं जाएगी, उतने के साथ आप अपने में चुप बने रहे। आप अपने में चुप बने रहे ऐसा नहीं है, आप बाहर चुप बने रहे, बाहर आपने उसके ऊपर जिस तरह से पहले डांट डपट या करते थे या उसको जो भी कहते थे वो गतिविधि आपने नहीं की, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा तो देखे होंगे विचारों में तो बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, है ना। तो हाँ उसको चल रही समय थी। पे समय पे करना चाहिए था, हर बार ऐसी बदमाशी करता, जो भी इस तरह की बहुत सारी अंदर चल रही थी, तो आप अपने में चुप नहीं थे, बाहर चुप थे, है ना। ये जो अपने में इतना चल रहा है ये मेरे को बेचैन कर रहा था, ये जो अपने में चल रहा है ये जो है विरोध का भाव है, ये जो है उसके लिए ठीक भाव नहीं है, उसके लिए तरह से वो दुखी कर सकता है। और एक और बात इसमें मैं जोड़ता हूँ तो ये दिखता है कि फॉर्म तो मिल ही जाएगा, है ना, जाऊंगा ले ही आऊंगा, वो तो बड़ी बात हमको नहीं भी दिख रही है फिर भी मैं बेचैन हूँ। उसका प्रमुख कारण यह है कि एज ए गार्जियन हम अपने बच्चे को स्व अनुशासित बनाना चाहते हैं, जो कि हर एक माँ बाप का और हर एक व्यक्ति, हर एक माँ बाप का चाहना भी है और हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी भी है कि वो स्व अनुशासित हो, अर्थात उसमें जो स्वयं के लिए आवश्यक है, स्वयं के सुख के लिए उसको वो पहचान पाए और उसके लिए जो भी आवश्यक कार्य व्यवहार करना है करके उसको सुनिश्चित कर सके। तो हम स्व अनुशासित करना चाहते हैं अपने बच्चे को, है ना। अगर स्व अनुशासन में नहीं है तो कम से कम अनुशासन में ही रहे। अनुशासन में का मतलब यह है कि कम से कम किसी कार्य को करने के जितने स्टेप जिस कालखंड में करने जरूरी है उतना करके उसको पूरा करें, ये अनुशासन है ना। और मैंने मैंने क्या जब उस पे ये छोड़ा दोनों ही नहीं कर रहा होता है आदमी तो मनमानी कर रहा होता है, कि भाई मैंने मन इस किया तो बारे सो गए, मन किया तो स्कूल गए, मन किया तो फॉर्म लाए, मन किया तो नहीं लाए, जो भी घटना दुर्घटना घटना है घटता रहे। तो माँ बाप जब देखते हैं कि बच्चा उसका मनमानी कर रहा है और मनमानी से तो व्यवस्थित जीवन हो नहीं पाता है, क्या उसके लिए ठीक है, उस पर उसका ध्यान जाए, उसको कर सके समय पर तो आगे व्यवस्थित जीवन जी सकेगा। तो आपका जो बेचैनी का दूसरा कारण है जो मुझे समझ में आता है कि वो मनमानी कर रहा है उससे आप दुखी और बेचैन है, क्योंकि आपका चाहना तो यह है कि स्व अनुशासन में जिए, नहीं जी रहा है तो कम से कम अनुशासित तो रहे। तो अब उसके लिए चुप हो जाना विकल्प है या उसको ध्यान दिलाना विकल्प है कि भाई जो भी गड़बड़ी होनी थी वो हो गई, लेकिन आगे तो हम
लिए क्या सही है, कैसे मेरा व्यवस्था ठीक चल सकता है, कालखंड का उसके साथ समय के साथ कैसे उसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं, इस पर उसके साथ चर्चाएं हो, उसका ध्यान आकर्षण हो, ताकि वो मनमानी से अनुशासन की तरफ आ सके और धीरे धीरे अनुशासन से स्व अनुशासन की तरफ जा सके। अगर इसका प्रोग्राम हमको दिख जाएगा तो हम अपने अंदर जो दूसरे कारण से बेचैनी महसूस कर रहे हैं तो उससे भी मुक्त हो सकते हैं। तो आपके दोनों शेयरिंग के संदर्भ में हमको इतनी बातें कहने थी, इस पर आपका जो टेक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कह लीजिए। मेरे को एक पीड़ा थी, वो नहीं हुआ ना, तो एक अंदर से इतनी पीड़ा में इतनी पीड़ा क्यों हो रही है। तो अंदर जाके जब ध्यान से देखने लगा तो मैंने सोचा कि मेरा हर बार उस बच्चे के प्रति ऐसा था, उसको अच्छी चीज, ये चीजें अच्छी स्कूल मिली जानी चाहिए उसको, बच्चे को तो जो उसको तो वो उसको तो ऐसा नहीं है, मगर मेरे को ऐसा था कि मेरे बच्चे को ये अच्छा स्कूल मिलना ही चाहिए, ऐसा मेरा कोई भी चीज अच्छी से अच्छी चीज उसको मिले, ऐसा मेरा अंदर से भाव भाव बोलो कि मोह बोलो, वो मेरे अंदर मैं देख पाया कि वो वही पीड़ा थी, मेरे को ज्यादा पीड़ा दे रहा था अंदर से, वो नहीं हूं मिला तो उसका पीड़ा मेरे को ज्यादा हुआ, बच्चे को तो इतना नहीं है। तो जी मैं देख पाया फिर ये पीड़ा मेरे में ही थी, वो पीड़ा कि वो मैंने बांध रखा कि मेरा बच्चा है, उसको वो अच्छा ही होना चाहिए, मेरे बच्चे के साथ शुभ ही होना चाहिए, अशुभ उसके साथ जो अशुभ जो हो रहा है वो मैं स्वीकार नहीं पा रहा था, वो मैंने देखा, फिर वो समझ में आई बात, तो फिर अंदर से वो सुकून हुआ और जो पीड़ा थी वो उसमें अपने आप राहत होने लगी। तो समझ में आया कि वो जो समझदारी है, ज्ञान से ही अंदर सुकून, ज्ञान से ही ठंडक मिलता है, वरना जो ज्ञान से जितनी मैं दूर रहा उतना टाइम में वो पीड़ा पीड़ा मेरे को महसूस हुआ, जितना ज्ञान से दूर रहा उतना है वो समझ से, इतना मैं महसूस कर जी पाया। जी दोनों को जोड़ के देखेंगे तो ये दिखेगा कि हमने जो अपेक्षा लगा रखी थी बच्चे से वो पूरी नहीं हुई, और फिर उसका विश्लेषण आप करते हैं तो ये दिखता है कि उसको अनुशासित ढंग से जो प्रयास करना था, जो उसके ऊपर निर्भर था, वो उसने नहीं किया, इसलिए पूरी नहीं हुई। तो आपकी बेचैनी जो है वो दोनों से जोड़ के दिखता है, देखेंगे फिर तो, है ना। तो फिर वो अनुशासित हो जाए उसके लिए क्या करना है ये सोचना शुरू करेंगे कि वो कैसे अनुशासित हो सके और धीरे धीरे स्व अनुशासित हो सके, तो हम आगे के कार्यक्रमों पर अपने विचार को चला पाते हैं, अपना भाव सही रखते समय। तो हमारे अंदर जो बेचैनी थोड़ी भी होती है वो भी नहीं होती है। यही करेंगे। थैंक यू सर। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। हाँ भैया, ये पूछना है, देखिए कि जो प्रपोजल यहाँ मिला था कि हम कुछ करके सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं या सुखी होकर कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रपोजल को मैं थोड़ा वेरीफाई समझने की कोशिश कर रही थी। जैसे अभी इस सेशन में मैं जुड़ी हूँ, आपके साथ मैं सवाल पूछ रही हूँ, तो अभी की अगर मैं स्थिति देखूँ तो मैं आराम में बनी हूँ, मैं सुखी होकर ये आपसे सवाल पूछ रही हूँ। क्यों पूछ रही हूँ, कुछ तो मुझे आपसे समझना है, कुछ सूचना को लेना है। तो ये जो मेरा सवाल पूछना है वो सुखी होने का प्रयास मेरा चल रहा है उसके अर्थ में है, तो ये दोनों भी क्रियाएं साथ में चल रही है, ऐसे समझे इसको। जी, अगर देखेंगे तो दो ढंग से क्रिया चल रही है, एक क्रिया आपके भीतर चल रही है और एक क्रिया हमारे और आपके बीच चल रही है। तो आपके भीतर जो क्रिया चल रही है वो क्या चल रही है कि आपका कुछ भाव है, तो मेरे प्रति विश्वास का भाव हो सकता है, सम्मान का भाव हो सकता है ना। विश्वास का भाव ये हो सकता है कि आपको ये दिखे कि आप सुखी होना चाहती हैं, और ये भी आपको अपने में ये स्पष्ट है कि सामने वाले व्यक्ति से जो भी चर्चा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो मेरे सुखी होने के अर्थ में सहयोग के रूप में ही वो कुछ प्रयास करेगा। तो ये आपका जो निष्कर्ष है, अर्थात आप में भी विश्वास का भाव है, ऐसे ही कुछ सम्मान का भाव भी हो सकता है कि जिन प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ उसमें वो सामने वाला व्यक्ति कुछ सूचनाएं दे सकता है जिससे मुझे उन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने में सहयोग मिल जाए, तो एक सम्मान का भाव भी है। तो ये जो आप में विश्वास और सम्मान का भाव बना हुआ है उससे आप सुखी होकर प्रश्न पूछ रही हैं। अगर उसी की जगह अविश्वास और अपमान का भाव हो
तो प्रश्न पूछने से पहले ही आप बेचैन होंगी और बेचैन होकर ही प्रश्नों को पूछेंगी। वो प्रश्नों के पूछने के ढंग से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है कि आदमी बेचैन होकर प्रश्न पूछ रहा है, दुखी होकर पूछ रहा दूसरी बात हमारी आपकी जो चर्चा हो रही है, इससे कुछ सूचनाएं हम दे रहे हैं ना, और सूचनाओं को जांच करने के लिए कुछ सहयोग कर रहे हैं ना। अब आप उसको जांच कर उसके माध्यम से अपने में सही भाव को जब देख पाती हैं और उसको अपने में सुनिश्चित कर पाती हैं, तो आप में जो सुख है उसकी निरंतरता की तरफ आप बढ़ पाते। मैं इस पूरे बात को इस ढंग से देखता हूँ। इस पर आप अगर अपना कुछ और बात कहना चाहें तो कह सकती हैं। हाँ जी भैया, मैं ये समझ पा रही थी कि जैसे जैसे समझ विकसित होगी तो सुखी होने होने का जो हमारा वो स्पैन है वो बढ़ेगा। तो सुखी होकर जो मेरा ये ज्ञान की तरफ हर वक्त कुछ पूछना लेने की कोशिश करना बाहर, ये दोनों भी पूरी लाइफ टाइम हमारा चलता ही रहेगा, ये ऐसे कह सकते हैं। आपके प्रश्न को इस रूप में मैं देखूंगा कि समझने का जो कंटेंट है वो निश्चित है या ओपन एंडेड है। अगर ओपन एंडेड है तब तो कितनी ही देर यात्रा में खत्म नहीं होगा, और अगर वो क्लोज एंडेड है, कहीं से शुरू होता है कहीं खत्म होता है, तब इसका मतलब है कि समझने का कंप्लीटनेस हो सकता है। तो बहुत बिगनर्स के लिए अगर मैं कहूँ तो समझने के लिए चार चीजें हैं: अपने में अपनी हारमोनी, इंडिविजुअल की हारमोनी को समझना, परिवार की हारमोनी, समाज की हारमोनी, प्रकृति अस्तित्व में हारमोनी। ये चार जगह पे हारमोनी को समझना, ये टोटल काम है। तो शुरू का पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है, कंप्लीटनेस है इसमें। और अगर थोड़े जो डीप स्टडी कर रहे हैं लंबे समय से जो लोग, उनके लिए अगर इस बात को कहूंगा तो ये कहूंगा कि पूरे अस्तित्व में जड़ है, चैतन्य है और स्पेस है। जड़, चैतन्य और स्पेस, तीन ही वास्तविकताओं को समझना है और इनके अंतर संबंध को समझना। तो समझने का जो विषय वस्तु है वो तो फिक्स है, इसलिए इसके निश्चित प्रयास और निश्चित समय निश्चित प्रक्रिया से पूरा किया जा सकता है, समझने का कंप्लीटनेस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ओपन एंडेड है और कई सारी यात्राएं चलती ही रहेंगी और कभी भी हम समझ के कंप्लीटनेस पे नहीं पहुंच सकते। पहुंचा जा सकता है क्योंकि समझने की विषय वस्तु निश्चित है। इतनी बात कहूंगा आपके प्रश्न के मूल में, जो प्रश्न है उसके संदर्भ। जी जी भैया, मैं इसको और थोड़ा अच्छी तरह से और समझ के आपसे कुछ रहा तो पूछूंगी जी। थैंक यू। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते। भैया, ये अभी जो 3 दिन का जो प्रैक्टिस रहा है कि सुख मेरा स्वभाव है या मैं बाहर से सुखी होने का प्रयास करती हूँ, इसको मैं देखने का मैंने प्रयास किया। और वैसे ये जो UHV मॉर्निंग सेशन है, ये मेरा सेकेंड मॉर्निंग सेशन है, और उसमें भी ये आरंभ से ये पहला ही सेशन है जिसको मैं कर रही हूँ। तो मैं ये देख पाई कि बाहर से जो सुखी होने का प्रयास रहता है वो बहुत ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे वो कम होने लगा है। तो अभी जो बाहर से सुख पाने के प्रयास में आपने दो तरीके बताए थे, एक तो ये कि प्रिय वाला जो दृष्टि है कि मतलब कुछ एक्टिविटी करके या अच्छा खा के या इस तरह की चीजें, उनसे सुख पाने का प्रयास, अच्छा पहन के या कहीं घूम के, ये वाली चीजें, तो ये काफी कम हो गई है। अंदर जब सुख में होती हूं तो भले ही वो काम आज भी करती हूँ जो अच्छे लगते हैं तो ठीक है, लेकिन उसकी उसी से सुखी हो पाऊंगी बाहर जो काम करूंगी, ये चीज समझ में आ गई कि उसकी निरंतरता नहीं रहेगी। सुख जो है वो स्वभाव में है, वो मेरे अंदर है, तो मेरे को अंदर ही उसको ठीक रखना होगा, समझना होगा। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो दूसरा और तीसरा वाला है। अभी भी जैसे
मतलब बाहर से अगर अच्छे भाव मिलते हैं, जो अपेक्षित भाव मिलते हैं, तो वो सुखी करते हैं। लेकिन मान लो कि मैं अपने साथ में हारमनी की स्थिति में हूँ, आराम की स्थिति में हूँ, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ में दुर्व्यवहार करता है या अपमान करता है, तो मेरा सुख जो है वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो ये मेरा प्रश्न बनता है कि उस स्थिति में जो है कि सुख मेरा स्वभाव है, ये वाली स्थिति मेरे अंदर नहीं रह पाती। और इसमें मुझे लगता है कि बाहर से ये भी अपेक्षा बनी रहती है कि भाई जो सम्मान मुझे मिलना चाहिए वो जिसकी मैं पात्र हूँ वो मिलना ही चाहिए। दुर्व्यवहार या कोई अपमानजनक कोई बात कह दे, ये नहीं होनी चाहिए। वो अदरवाइज मैं इस तरह से नहीं देखती कि वो अगर अच्छा भाव देगा कोई व्यक्ति तो ही मैं सुखी होंगी, लेकिन वो दुर्व्यवहार करेगा तो मैं दुखी हो जाती हूँ, ये चीज मैं अपने आप में देख पाती हूँ। और तीसरा जो ऑप्शन है कि सुख मेरा स्वभाव है, उसको तो मैं उस पर निरंतर कार्य कर रही हूँ। तो ये दूसरा जो पॉइंट है भैया, उस पर मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहती थी। जी, मैं इसको थोड़ा एलाबरेट कर देता हूँ। काफी आपने पिन पॉइंटेड तीनों बातों को रखा, तो बहुत ही अच्छा आपका एक्सप्लोरेशन चल रहा है। तो जो तीसरा दूसरा पॉइंट है आपने रखा भाव को लेकर, कि ये बात तो ठीक है कि हम दूसरे से अनुकूल भाव पाकर सुखी होने का जो प्रयास कर रहे हैं ये बाहर के स्रोत पर निर्भर है, प्रभाव है, और इसमें निरंतरता नहीं। लेकिन कम से कम इतनी अपेक्षा तो है ही कि वो भले हमारा सम्मान न करे लेकिन हमारे साथ अपमान भी ना करे, दुर्व्यवहार भी ना। और ये ठीक ही बात है, लेकिन मैं इसको थोड़ा इस ढंग से विश्लेषित करता हूँ, शायद आपके विश्लेषण में और अपने में देखने में उससे सहयोग मिल सके। कि अगर आप अपने जीने को देखेंगे तो कम से कम 20, 25, 50, 100 लोगों के साथ रोज का ट्रांजेक्शन होगा, है ना। पूरी दुनिया में देखें तो 750, 800 करोड़ लोग हैं, है ना। क्या ये 20, 25, 50 लोग जिनके साथ रोज का ट्रांजेक्शन है, या जो पूरी दुनिया में 700, 800 करोड़ लोग, मेरा सम्मान करें ही ये जरूरी है क्या? या ये जो 15, 20, 25 लोग हैं, ये हर पल हर क्षण मेरा सम्मान ही करें, ये जरूरी है क्या? तो ध्यान देते हैं तो ये दिखता है कि जिस क्षण वो आराम में होते हैं मेरे साथ अलग ढंग से व्यवहार करते, जिस क्षण वो खुद ही बेचैन और परेशान होते हैं वो मेरे साथ भी दूसरे ढंग से व्यवहार करते हैं और औरों के साथ भी करते हैं। तो धीरे धीरे ये दिखता है कि ये सिर्फ उसी के साथ ऐसा हो रहा है, नहीं है ऐसा। मैं भी जब आराम में रहती हूँ तो मैं भी दूसरों के साथ सही भाव सही व्यवहार को सुनिश्चित कर पाती हूँ ज्यादा निरंतरता में, आसानी से। लेकिन जब खुद में बेचैन रहती हूँ, परेशान रहती हूँ, तो कई बार हम अपने बच्चे के साथ ही दुर्व्यवहार कर बैठते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही भाव बिगड़ जाता है, व्यवहार बिगड़ जाता है। तो ये दिखता है कि जिस तरह से मैं अपने में दुखी, बेचैन और परेशान होती हूँ, तो वो परेशानी बाहर निकलती है जिससे दूसरे आहत होते हैं। उसी तरह से दूसरा भी जब बेचैन होता है, परेशान होता है, तो वो बेचैनी व्यवहार में बाहर निकलती है जिससे मैं आहत होती हूँ। तो ये दोनों के एक ही जैसा है, तब मैं दूसरे को अपने जैसा स्वीकार पाती, तब मैं दूसरों को उसकी बेचैनी और उसके आराम दोनों के साथ स्वीकारने को तैयार पाती। जब वो आराम में रहेगा तो आराम देने वाला व्यवहार करेगा, जब बेचैन रहेगा तो बेचैन देने करने वाला व्यवहार करेगा। तो अब हम दूसरों के आधार पर जो स्वीकार रहे हैं कि वो बेचैन भले ही हो लेकिन हमारे साथ तो आरामदायक ही व्यवहार करे, ये दूसरे को शर्तों के आधार पर स्वीकारना हो। तो एक बार जब हमको ये स्पष्ट होगा तो हम अपने में जो सही भाव है, विश्वास का, सम्मान का, उसको बनाए रखते हुए दूसरे पर ध्यान देते हैं कि भाई का व्यवहार ठीक है, इस समय ये आराम में है, अपने सहज स्वीकार भाव में के साथ जी रहा है, अभी ये चीख चिल्ला रहा है, कुछ दुर्व्यवहार कर रहा है, जिसका मतलब इसका जो सहज स्वीकार स्वाभाविक भाव है उस पर इसका ध्यान नहीं है, उसके अभाव में ये बेचैन है और अपनी बेचैनी को अलग अलग ढंग से रिफ्लेक्ट कर रहा। तो पूरी परिस्थिति को मैं इस ढंग से इवेलुएट कर पाता हूँ।
तो उसके बेचैनी के कारण मैं अपने स्वभाव को नहीं खोता, मैं अपने में सही भाव जो मुझे दिखा है उसके साथ बना रहता हूँ और इस पर विचार शुरू करता हूँ कि कभी थोड़ा शांत हो तो कैसे इसका ध्यान दिलाया जा सके कि उसमें भी स्वभाव है, सहज स्वीकृत भाव है। अगर उसको देखकर थोड़ा मेहनत करे, एफर्ट करे तो उसको अपने में सुनिश्चित कर सकता है और बार बार जो वो बेचैन हो रहा है उस बेचैनी से मुक्त हो सकता है। तो मैं अब उसको बेचैनी से मुक्त करने के तरफ विचार चलाना शुरू कर देता हूँ और इस पूरी प्रक्रिया में मैं बेचैन नहीं होता क्योंकि मेरा भाव जो मेरा सहज स्वीकार भाव है वो वैसा बना रहता है। तो अगर पूरे प्रकरण को देखो तो मैं इस रूप में देखता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स इस पूरे को अभ्यास करने में, पूरे को एफर्ट में लाने में समय लगेगा और ये प्रयास दूसरे को ठीक करने से शुरू करने से पहले मेरा भाव मेरे स्वभाव के अनुरूप बना रहे, दूसरा अगर भाव दे रहा है तो भी, नहीं दे रहा है तो भी, ये एफर्ट पहले करना जरूरी है, तब दूसरे के साथ जो सहयोग है वो हम कर पाए। तो अगर पूरे आपकी बात को मैं अगर विश्लेषित करूंगा सहयोग की दृष्टि से तो ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन इस पर जो आपका इनपुट है जरूर एक दो लाइन में सुनना चाहूंगा। जी भैया, आपने जो बात कही वो मुझे पूरी अच्छी तरह से समझ में आई। यहाँ पे मैं फिर एक चीज, मतलब दो पॉइंट मैं रखना चाहूंगी। जैसे एक तो ये जो आपने कहा ना कि इस सब में समय लगता है, तो ये जो समय लगने वाला जो पीरियड है ना, ये मतलब उस ये जो बीच वाला पीरियड है उसमें थोड़ी सी मैं मुश्किल फेस कर रही हूँ कि मुझे खुद को भी समय देना है और जो सामने वाले जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको भी समय देना है। जब तक ये समय देने वाली, जब तक ये प्रक्रिया में है कि आज एक दिन में मैं ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं अपने भाव के साथ में बनी रहूं और बाहर से अगर व्यवहार सही नहीं आ रहा है या अपेक्षित व्यवहार है वो नहीं आ रहा है, उसका मुझ पर बिल्कुल प्रभाव ना पड़े तो वो भी नहीं होता। लेकिन इन बिटवीन जो परिस्थिति है वो उसके अनुसार ये जो समय लगने वाली जो प्रक्रिया है ना, उसके साथ में थोड़ी सी असहज हो जाती हूँ कि मुझे समझ नहीं आता है कि मतलब ये किस तरह से हो पाएगा। जी शायद मैं अपनी बात रख पाई। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति मान्यता के आधार पर बैठा है कि मतलब एक मान्यता मेरे बारे में बना रखी है या कोई और मान्यता उसकी अपनी, जैसे हम यहाँ कहते हैं ना कि स्त्री और पुरुष का जैसे दोयम दर्जा है, चाहे वो वर्किंग प्लेस हो चाहे वो घर का एनवायरनमेंट हो, अगर उस तरह से कोई पेश आता है तो उसकी तो ये मान्यता है कि हाँ ठीक है, इनको जो है महिला होने के नाते इनके साथ में इसी तरह का व्यवहार किया जाना है, तो उस मान्यता को ब्रेक करना या उस मान्यता को किस तरह से अगले व्यक्ति में चेंज कर पाना, ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है कि इतनी रिजिड अगर किसी की मान्यता है उसके साथ में अगर कोई व्यवहार कर रहा है तो वो व्यवहार की निरंतरता ही उसी मान्यता के, मतलब वो व्यवहार जो है उसी मान्यता के आधार पर बार 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 हो रहा है। उसमें ये मैं क्लियर कट देख पाई कि ये स्थिति नहीं है कि वो स्वयं में परेशानी में है इसलिए है, वो ये है कि वो मान्यता ऐसी बनी हुई है इसलिए किसी एक व्यक्ति के साथ में वो लगातार उसी तरह का उसी पैटर्न का व्यवहार कर रहा है, तो उस स्थिति में जी, क्या। तो मैं आपके इन दोनों प्रश्नों को बस एक कुछ छोटे छोटे स्टेप्स में इंडिकेट कर देता हूँ जिससे कि आप उस पर काम शुरू कर दें। जो पहला प्रश्न है समय लगेगा, तो समय तो लगेगा ही, मतलब हम जब अपने में काम कर रहे हैं तो भी लगेगा और दूसरे के लिए काम कर रहे हैं तो भी लगेगा। तो दूसरे में कुछ मान्यताएं ठीक हो जाए, दूसरे का कुछ भाव ठीक हो जाए, व्यवहार ठीक हो जाए, इसमें और अधिक समय लगता है क्योंकि अब उसमें उसका एफर्ट इन्वॉल्व है और वो कब एफर्ट करेगा, कब ध्यान देगा, वो आप तय नहीं कर सकते, वो तो वही जी तय कर। लेकिन आप अपने में जो एफर्ट कर रहे हैं वो आप तय कर सकते हैं। तो हम ये तो तय कर सकते हैं कि दूसरा जब भी हमारे साथ अनुकूल भाव नहीं दे रहा है तो भी मेरा जो सहज स्वीकार भाव है वो बना रहे और उसकी स्थिरता बनी रहे, ये तो मेरे एफर्ट पर निर्भर है।
इसमें कम से कम मेरा निर्णय शामिल है, दूसरे वाले में तो उसका निर्णय शामिल है, तो वो तो बहुत टाइम भी लग सकता है और बहुत जल्दी भी कर सकता है, वो उसके टाइम पर एफर्ट पर निर्भर। लेकिन ये जो पहला वाला काम है कि मुझे जो अपने पर काम करते रहना है, अपने स्वभाव को देखकर उसको सुनिश्चित किए रखना है, किसी के साथ व्यवहार करते हुए भी और अकेले हैं तो भी, इसमें अगर कुछ दिन का अभ्यास किया जाए तो ये आसानी से हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है इस काम को तो इमीडिएट शुरू कर लेना चाहिए, जो कि आप कर ही चुकी हैं। दूसरा कर भी नहीं कर रहे, क्योंकि मेरा सुख इस पर निर्भर है, दूसरा करे तो भी ना करे तो भी, एक बात तो ये है। और आपके पहले प्रश्न के संदर्भ में अगर कहूँ तो, दूसरे प्रश्न के संदर्भ में अगर कहूँ तो मैं ये कह पाऊंगा कि ये बात ठीक है कि दूसरा व्यक्ति अपनी मान्यताओं के साथ प्रस्तुत हो रहा है और अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, ये हम बहुत आसानी से देख भी पाते हैं। लेकिन साथ साथ मुझे लगता है कि इसको भी देखने का अभ्यास करने की जरूरत है कि मैं जो अपने भाव विचार व्यवहार को तय कर रही हूँ, वो हर बार सही समझ और सही भाव, जो सहज स्वीकृत भाव है, उसी को आधार बना के तय कर पा रही हूँ, या बहुत बार मैं भी मान्यताओं से प्रेरित अपने भाव विचार व्यवहार को चलाती रहती हूँ। तो और जिस समय मैं मान्यताओं पर आधारित अपने भाव विचार व्यवहार को चला रही हूँ, उस समय मैं आराम में हूँ कि बेचैन, और जिस समय सही समाज आधारित सहज स्वीकृत भाव को स्वयं के आधार पर विचार और व्यवहार को चला रही हूँ, उस समय मैं आराम में हूँ कि बेचैन। तो ये दिखता है कि जब भी मैं सही समझ सही भाव आधारित विचार व्यवहार को अपने में चलाती हूँ तो उस समय सुख की निश्चितता है, लेकिन जब भी मान्यता आधारित भाव विचार व्यवहार को चलाती हूँ, आवश्यक नहीं है कि सुख होगा ही होगा, उसमें सुखी भी हो सकते हैं बेचैन भी हो सकते हैं, गारंटी नहीं है। मान्यता सही होगी, सही सहज भाव के अनुरूप होगी तो सुखी हो सकते हैं, अनुरूप सुकृति के अनुरूप नहीं तो बेचैन हो सकते हैं। तो जब आप इसको अपने भीतर देखेंगे तो ये पता लगता है कि मान्यता आधारित भाव विचार व्यवहार सबसे पहले उसी व्यक्ति को बेचैन करता है, कि बाहर एक्सप्रेस होगा तो दूसरे को भी कर सकता है। तो एक तो ये मूल्यांकित होता है इस प्रक्रिया में कि अगर मैं मान्यता आधारित भाव विचार व्यवहार को कर रही हूँ तो मैं भी बेचैन हो रही हूँ, भले दूसरा इसको देख पाए तो भी, ना देख पाए तो भी। तो दूसरा भी अगर मान्यता आधारित भाव विचार व्यवहार को कर रहा है तो भीतर थोड़ा कम या अधिक बेचैन तो वो भी होता होगा। जब तक वो उसको ठीक नहीं करेगा उससे वो मुक्त नहीं हो पाएगा, एक बात तो ये। दूसरी बात आपकी ये ठीक है कि अपनी मान्यता को पहचान कर देख कर अपने सही समझ और सही भाव के आधार पर उसको ठीक कर लेना तो रिलेटिवली आसान है। दूसरे की मान्यता को या बहुत ज्यादा लोगों की मान्यता को ठीक करने जाते हैं तो इसमें तो और समय और एफर्ट लगता है ना? तो शुरू कहाँ से करें? हम अपने भीतर की मान्यताओं को पहचान कर अगर उसको भी ठीक करने लग जाते हैं, दूसरा भाव भी ठीक करे तो भी हमारा आ रह सकता है। तो उदाहरण के तौर पर अगर स्पेसिफिक आपके ही उदाहरण को लें कि उसने हमारे साथ स्त्री पुरुष होने के आधार पर जो मान्यता का उसने बना रखा उस पर आधारित भेद किया, उस भेद से मैं दुखी हूँ, लेकिन ठीक ढंग से मैं देखूंगा तो एक मान्यता इस पर और काम कर रही है जो मेरे भीतर है। मैं अपना जो मेरा अपने बारे मूल्यांकन है कि मैं भी सेल्फ हूँ और बॉडी हूँ, बॉडी स्त्री पुरुष का अलग हो सकता है लेकिन सेल्फ स्त्री पुरुष का तो एक ही है, एक ही जैसा है। दूसरे के किए गए मूल्यांकन से मैं प्रभावित हो गई क्योंकि मेरा जो सही समझ अपने बारे था मैं उससे विचलित हो गई। अगर मेरा जो सही समझ अपने बारे है कि मेरे में और उसके में कोई भेद नहीं है ना, मेरा सेल्फ उसका सेल्फ एक ही जैसा है, लेकिन वो अपनी मान्यताओं के कारण ऐसा देख नहीं पा रहा है इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है, अगर इतनी सत्ता मेरे में अपने बारे बनी रहती है तो उसी घटना में मैं बेचैन नहीं होती बल्कि अपने में सहजता में बनी रहती हूँ और धीरे धीरे प्रयास करती हूँ कि जितने लोग मेरे संपर्क में हैं, क्या कार्यक्रम बनाया जाए, कैसे कार्यक्रम चलाया जाए कि लोग अपनी मान्यताओं को ठीक करने में कार्यक्रम शुरू कर सकें और धीरे धीरे ठीक कर सकें। तो आपके दोनों प्रश्नों के संदर्भ में मैं बात कहूंगा, धन्यवाद।
मेरी अपेक्षा है कि इन सबके विश्लेषण को आप करें, और अगर जी जी इस पर भैया। कुछ और बात हो तो कल नहीं भैया, इस पे मैं विचार करती हूँ, और अगर कहीं अटकती हूँ तो मैं फिर से प्रश्न रखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, काफी कुछ क्लियरिटी बनी है। थैंक यू भैया। जी। नमस्ते, नमस्ते दीदी। सभी को नमस्ते। और सर, सुख स्वभाव है और वो उसका मानव का इनेट नेचर है, और बाहर से प्रभावित ना होने से तो वो स्वभाव बना रहता है। इतना तो सेल्फ समझ रहा है, मैं समझ रही हूँ, इसको मैं मुझमें। दूसरे इसको मैं थोड़ा सॉरी दीदी टू इंटरप्ट यू, जी इसको मैं कोई बात थोड़ा नहीं अगर दीदी। यहीं पर करेक्ट करूं तो मैं ऐसे अगर मैं हाँ यहीं पर जी करेक्ट करूं तो ऐसे कहूंगा कि जब भी जो मेरे सहज स्वीकृत भाव है अर्थात मेरे स्वभाव है, जब मैं उसको अपने ध्यान में बनाकर अपने में सुनिश्चित कर पाती हूँ तो बाहर से प्रभावित नहीं होती। हाँ जी जब भी मैं जी इसमें चूकती हूँ तो बाहर से हो हाँ रही घटनाओं से प्रभावित हो जाती है। आपकी बात को अगर मैं थोड़ा करेक्ट करूं तो ऐसे करूं। जी दीदी, जी अब आगे। अभी चूकना तो कम हो रहा है, पर अपने में स्थिति सही नहीं आ रही। वो स्थिति है कि जैसे कि शरीर को कुछ ज्यादा मान लिया हुआ है, तो उस शरीर के जाने का डर, और फिर जब आके ऑफिस से आके सो के भाई दो, सिर्फ ऐसे लगता है कि शरीर की जो जरूरत है वो 2 घंटे की नींद ही जरूरत है। उसके बाद जो फिर नींद ना आना से विचार में जो चलना, वहां पर ऐसे लगता है कि वो मेरे शरीर को प्रभावित करेगा। वहां पर ऐसे लग रहा है कि वो अगर मैं जहाँ अगर सुखी होने का प्रयास भी करती हूँ तो वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि वो 2 घंटे अगर मैं नहीं सो के अगर मैं फ्रेश हो गई, पर रात भर जागने से फिर वो मेरी स्थिति खराब हो रही है। तो शायद मेरी मान्यता है कि मैंने शरीर जी को कुछ ज्यादा मान्यता दे रखी है। ये कुछ यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन आ रहा है कि बिल्कुल सुख होने के लिए तो शरीर की भी जरूरत है सुखी होने के लिए, और जब शरीर सुखी नहीं हो सही रहेगा तो फिर वो सुख भी कहाँ मिल पाएगा सेल्फ को। जी दीदी, तो मैं अगर आपकी बात को कहूं तो मैं इस ढंग से कहूंगा कि जब मैं स्वयं में सहज स्वीकृत भावों को समझकर अपने में सुनिश्चित कर लेता हूं तो शरीर को भी और अधिक व्यवस्थित रखता हूँ। तो अगर मैंने स्वयं में सही समझ को सुनकर सहज स्वीकृत भावों को समझ लिया है और अपने में सुनिश्चित कर लिया है, तो मैं जो नेचुरल क्लॉक है उसके साथ अपनी दिनचर्या को मैच कर पाती हूँ, सोने जगने के समय को निश्चित कर पाती हूँ, शरीर को आराम देने के लिए जितना समय निर्धारित करना है उतना दे पाती हूँ। अभी चूंकि सेल्फ में ही जो सहज स्वीकृत भाव है उसको बहुत ठीक कर अगर व्यवस्थित नहीं कर पाए हैं तो अंदर वैक्यूम है, बेचैन बनी रहती है, उसको दूर जी करने के लिए हम रेंडमाइज प्रोग्राम्स करते रहते हैं, टीवी देखना, मोबाइल देखना, इधर घूमना उधर घूमना, उसके कारण हमारी दिनचर्या भी नहीं व्यवस्थित हो पाती, और जब आराम करना है उस समय बेचैन हो रहे होते हैं, और जब मतलब बाकी तो रात में नींद नहीं आती, फिर दिन में डिस्टर्ब होता है, ये सब प्रक्रिया तो चलती है। तो इसलिए मुझे जी लगता है कि जो सहज स्वीकृत भाव है, जो सही समझ है, उसको धीरे धीरे सुनिश्चित कर लेते हैं अपने में तो शरीर को भी हम ज्यादा व्यवस्थित रख पाते हैं, और शरीर का जो सहयोग चाहिए इस पूरे काम में वो मिल पाता है। नहीं, शरीर तो कह रहा है कि बस 2 घंटे सो लिया बहुत है ठीक से वो। देखेंगे दीदी तो शरीर के 2 घंटा सोने से निकलता है, 1 घंटा तो सोना ही पड़ेगा, तब शरीर को जो आराम चाहिए वो मिल पाता है। लेकिन वो जो 6 घंटा सोना है, हम आपको 9 बजे से लेके 3 बजे 4 बजे तक सोते हैं, उस कालखंड में शरीर को जितना आराम मिलता है, किसी और कालखंड में शरीर को जब सुलाने जाते हैं तो उतना आराम नहीं मिलता। सर वही प्रकृति में टाइम देखें पीरियड है ना, तो वहां डिस्टर्ब ज्यादातर होंगे ना। जीव अपने शरीर को जी तो, और वो डिस्टर्ब इसलिए हो रहा है क्योंकि उस समय हम कुछ और कर रहे हैं। कुछ और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्वयं में व्यवस्थित नहीं है।
तो स्वयं में व्यवस्थित क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्वयं में सही समझ है, सही भाव है, उसको जो सुनिश्चित करना है वो नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं इस कनेक्शन को जोड़ रहा हूँ। और ठीक से, लेकिन ये बात तो ठीक है कि शरीर को व्यवस्थित तो रखना है, जिम्मेदारी ही है, अन्यथा हाँ जी, कैसे कोई चलेगी। जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही। जी, इसलिए नहीं निभा पा रहे कि उसके बारे में समझ है तो अभी ठीक से अपने में सुनिश्चित नहीं कर रहे, प्राथमिकताओं को, प्रायोरिटीज को ठीक से तय नहीं कर पाए, इसलिए हमारा प्रोग्राम आगे पीछे होता रहता है। जी ठीक है सर, इस पे मैं काम करने की कोशिश करती हूँ कि जो काम पहले करना है उसको सुनिश्चित कर लूँ और फिर उसके बाद धीरे धीरे इस रूटीन को कंटिन्यू कर सकूं। सही समझ रहे, जी, और सही। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है दीदी कि 24 घंटे में बहुत सारे अननेसेसरी काम भी हम करते रहते हैं जिसको वास्तव में करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे देखते हैं तो हम सभी लोग बहुत देर तक मोबाइल पर रील्स देखने में या कुछ कुछ और करने में समय से नहीं सो पाते हम लोग, है ना। तो बहुत सारे इस तरह के अननेसेसरी काम भी हम करते चले जाते हैं, है ना, प्रभाव से सुखी होने के प्रयास में, और हम शरीर की दिनचर्या को नहीं सुनिश्चित कर पाते। उसके 50 वैलिड कारण हमारे पास होते हैं कि भाई दिन भर बहुत थक गए हैं इसलिए थोड़ा मन को आराम देना है, शरीर को आराम देना है, लेकिन आराम देने के लिए तो सोना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बट एनीवे, इसकी जांच परख को जारी रख सकते हैं। सभी को नमस्ते। शॉर्ट में ही रखता हूँ भैया। एक तो जो अभ्यास, वैसे मैंने ये दूसरा सत्र मेरा शुरू हुआ है और दर्शन में 4-5 साल हो गए। तो एक तो जो सिटिंग थी वो उसमें मेरा परिमार्जन में इस तरीके से देख पाता हूँ कि पहले भी मैं सिटिंग देता था तो उस सिटिंग में खाली मेरा शरीर पे ही ध्यान रहता था, लेकिन अब मेरी डिजाइन वो सिटिंग में 1 घंटे में ये बन गई कि कुछ समय के लिए, जैसे 5-7 मिनट जो स्टार्टिंग के होते हैं वो मेरी बॉडी पे ध्यान जाता है, फिर ये दूसरा मेरे कार्य पे ध्यान जाता है कि आज क्या क्या कार्य करना है, वो उसका एक 5-7 मिनट में कैलकुलेशन हो जाता है। फिर मेरा ध्यान जाता है कि मैं जो ये दर्शन को समझने में लगा हुआ हूँ तो इसमें मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, उसका एक और आल 10-15 मिनट में मैं आज कौन सी गोष्ठी से जुड़े, उसमें क्या क्वेश्चन हुआ, फिर उसका क्या मेरे समझ पड़ी या मैं क्या बात रख पाया उस पे, और फिर एक व्यवस्थाओं पे और फिर विहार पे जाता है। व्यवस्थाओं में मैं कैसे एक व्यवस्था में भागीदारी कर सकता हूँ मैं, या कहाँ शिविर ले सकता हूँ, या कहाँ कनेक्ट हो सकता हूँ, इन पे ऐसे मेरा 1 घंटे का पीरियड जो सिटिंग का होता है वो ऐसी एक डिजाइन में एक व्यवस्थित हो गया, ऐसा मैं इसको देख पाता हूँ। और जब व्यवहार मेरा ज्यादा करके, या तो घर पे रहता हूँ तो पति पत्नी हम दो रहते हैं तो ज्यादा करके वहां बना रहता है, या मैं खेत में जाता हूँ, मैं खेती का ही काम करता हूँ तो खेत में जाता हूँ तो खेत में लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ मेरा मोटे तौर पर व्यवहार चलता है। तो मैं भैया पहले तो मैं दर्शन में आया तो ऐसे उसको देख पा रहा था कि पति पत्नी हम दोनों बैठे हैं और मेरे को प्यास लगी है, तो वहां मेरा विचार चल जाता था कि पानी पत्नी से मंगाऊं या मैं जाके ले लूं या ऐसे, लेकिन अब मेरा ऐसे हो गया कि जो भी मेरे प्यास लगते हैं मैं उठ के पानी पी लेता हूँ। ऐसे हम खाना वाना खाते हैं तो कोई चीज की जरूरत होती है, चम्मच ही लानी है तो पहले तो ये होता है चम्मच लाने के लिए कहूँ या नहीं कहूँ ऐसे, लेकिन अब मैं उठ के चम्मच ले आता हूँ, इतना वो उसके पीछे कोई विचार नहीं चलता। ऐसा ही कार्य पे मैं चाहता हूँ तो जैसे ही मैं ये अपेक्षा लेके जाता हूँ कि आज पानी लगाना है खेत में, वो आदमी है वो पानी लगाएगा जो मेरा साथी है, और मैं जाता हूँ और उसको फोन करता हूँ तो वो कहता है आज भैया मेरे कोई काम हो गया मैं नहीं आ पाऊंगा, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं मैं लगा देता हूँ पानी, मैं लगा देता हूँ पानी ऐसा। तो कोई ऐसा विरोध भी, इससे भी जरूरी उसके कोई काम हो गया, तो ऐसे भैया मोटे तौर पर मेरी सिक्वेंस चल रही है, मैं इतनी बात रखूंगा शॉर्ट में। जी भैया, अच्छा है, इस पर हम लोग अगले दिन रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी बहुत सारे साथी लोगों का, लगभग 8-9 साथी लोगों का हैंड रेज है, इस पर हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि कल आप लोग हैंड रेज करें तो कल सुबह आप लोगों की साथ ही चर्चा से शुरू करेंगे। मैं अभी 2-3 मिनट में थोड़े स्लाइड्स को आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आज के अभ्यास में वो सहयोगी हो सके। तो हम लोगों ने कल इस पर चर्चा किया था, ये जो समझ की प्रक्रिया है वो क्या है,
उस पर मैं कल और विस्तृत चर्चा करूंगा। आज फिर से इसको एक बार रिपीट कर देता हूं कि यहाँ जो भी बातें कही जा रही है या और लोग जो आपसे कह रहे हैं, एक तो उपाय यह है कि उसको सीधे सीधे मान लें, दूसरा उपाय यह है कि हम उसको जांच लें। यहाँ ये कहा जा रहा है कि हम उसको माने नहीं, जांचें, यानी जांच भी किस आधार पर, अपनी सहज स्वीकृति के आधार। जो भी प्रस्ताव कहा जा रहा है, दिया जा रहा है, उसको पहले अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांच। अगर सहज स्वीकार नहीं है तो फिर हम उस पर संवाद कर लें। जब तय हो जाए कि ये सहज स्वीकार ही नहीं है हमारे भीतर, उसको ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर सहज स्वीकार है तो अब जीने में प्रयोग करके देखें। व्यवहार से जुड़ा प्रस्ताव है तो किसी मानव के साथ जीने में प्रयोग करके देखें। कार्य से जुड़ा प्रस्ताव है तो शेष प्रकृति के साथ प्रयोग करके देखें। अगर प्रस्ताव हमको सहज स्वीकार भी है और जीने में प्रयोग कर रहे हैं तो जो परिणाम है वो उभय सुख और उभय समृद्धि के रूप में हमको दिखाई देता है। उभय सुख और उभय समृद्धि का इंडिकेटर और दूसरा वो प्रस्ताव सहज स्वीकार है, ये तीनों इंडिकेटर हमारे लिए सहयोगी है इस बात को निष्कर्ष के रूप में निकालने के लिए कि जो प्रस्ताव है वो मेरे लिए सही है। तो इस विधि से हम सभी प्रस्तावों का इन 4 महीनों में जांच परख करेंगे। अभी मेरे पास थोड़ा समय कम है कि मैं इस पर उदाहरण दे सकूं, लेकिन इस पर कल उदाहरण रखूंगा। आज मैं एक और स्लाइड रख देता हूँ अगले हमारे लिए जो 4 का काम है उस पर शुरू हो सके। पहले ही दिन से बात हो रही है कि हमारे लिए सुख क्या है, तो सुख के बारे में प्रस्ताव मैंने स्क्रीन पे रखा है कि मैं जिस भी स्थिति परिस्थिति में जीता हूँ, अगर उसमें हार्मनी है, व्यवस्था है, तो ऐसा जीना मुझे सहज स्वीकार होता है। इस स्वीकृति के भाव में होना ही सुख है। इस पूरी बात को समराइज करके कहूं तो हार्मनी में, व्यवस्था में होना ही सुख है। इसी तरह से दुख को भी देख सकते हैं हम कि मैं जिस भी स्थिति परिस्थिति में जीता हूं, अगर उसमें अंतर विरोध है, अव्यवस्था है, तो ऐसा जीना मुझे सहज स्वीकार नहीं होता। इस अस्वीकृति के भाव में जीने के लिए बाध्य होना ही दुख है। इसको अगर पूरी बात को समराइज करें तो ये कहेंगे कि अंतर विरोध में, अव्यवस्था में जीने के लिए बाध्य होना ही दुख है। तो हम लोग इस सुख और दुख की भाषा भी पहले जांच लें और फिर आज के दिन दिन भर इस बात पर ध्यान बनाए रखें। जब भी मैं सुखी हो महसूस कर रहा हूँ अपने भीतर और या दुखी हो रहा हूँ, तो जांचें कि जब मेरे अंदर अंतर विरोध चल रहा है तभी मैं दुखी हो रहा हूँ, या इसको कहूँ कि जब भी मैं दुखी महसूस हो रहा कर रहा हूँ तो जांचें कि मेरे अंदर अंतर विरोध चल रहा है कि अव्यवस्था चल रहा है, या जब मैं सुखी महसूस कर रहा हूँ तो जांचे कि मेरे अंदर अंतर विरोध चल रहा है कि अव्यवस्था चल रही है। तो धीरे धीरे अपने भीतर ये दिखना शुरू होगा कि जब भी मैं अंदर विरोध या अव्यवस्था में जीने के लिए बाध्य होता हूँ मैं दुखी महसूस करता हूँ, जब भी मैं हाँ व्यवस्था और जी पाना अपने विचारों में अपने बाहर जीते हुए तो मैं ये दोनों को आज के दिन थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। कल हम लोग पर और डिटेल चर्चा जी। धन्यवाद भानु भैया। नमस्ते, सभी का धन्यवाद।